दिन बाद यानी 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। धरती के बाहर चांद इकलौता ऐसा खगोलीय पिंड है जहां इंसान पहुंचा, लेकिन यह 50 साल पहले की बात है। 50 साल बाद हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के जरिए एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह 23 अगस्त को सेफ लैंडिंग करेगा। मिल गया चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ा शुभ संकेत। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष में हेलो ब्रदर, कैसे पता चला चंद्रयान 3 सही रास्ते पर? रूस के लूनर मिशन लूनर 25 के चंद्रयान की सतह पर क्रैश लैंडिंग के बाद अब सारी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर। सवाल यह है कि क्या भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर पहुंचने की हो रूस की उम्मीदों को ले डूबी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी दुनिया चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त। इसे लेकर इसरो की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया जिसमें बुधवार को चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में जानकारी दी गई। चांद से संदेश यह है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाले लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद, यानी अब से करीब 40 घंटे का वक्त ही बचा है जब भारत चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ इतिहास रचेगा। वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है, एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है जिसमें उसका पेरिजी जो है यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर इस भरोसे को अंतरिक्ष से आए एक शुभ संकेत ने और भी ज्यादा मजबूती दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर दिया गया है। टू वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब सवाल है कि इसे शुभ संकेत क्यों माना जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 सही रास्ते पर? इसका जवाब इसरो ने यह दिया कि अब बेंगलुरु के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के बाद लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से बात करने के कई रास्ते हो गए हैं। क्योंकि चंद्रमा की कक्षा में जो चंद्रयान 2 का जो हमारा जो मॉड्यूल था ऑर्बिट कर रहा था चंद्रयान 3 का, दोनों की हमको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि एक सिस्टम में अगर कोई मतलब उसके डाटा में कोई एरर है तो दूसरा सिस्टम से डायरेक्ट उसको कंपेयर किया जाएगा, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हमारे दोनों जो उसके जो मॉड्यूल जो ऑर्बिटर हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे नेचुरली बेहतर तरीके से उसको लैंड कराने में मदद मिलेगी। तो हमारे पास जितना ज़्यादा बेहतर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है हमारा 3 का ऑर्बिटर है, तो उससे हम और निश्चिंत हो पाएंगे कि हमारा चंद्रयान का लैंडिंग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी वो नहीं हो पाएगी। तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 अपने सही रास्ते पर चल रहा है, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा है, जिसने इस बार चंद्रयान 3 के कामयाब होने की संभावना बढ़ा दी है भले ही रूस के साथ कुछ भी हुआ। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता उसकी तस्वीरें शेयर की है। इसे चंद्रयान 3 में लगे LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे ना हो। यानी इस बार पिछली हर नाकामी से सबक सीखते हुए इसरो ने अपने मिशन को दुरुस्त किया है, जिसके परिणाम मिलने तय हैं। Case of that landing to be happened in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened,
And also that is wherever possible, that is a redundancy is incorporated in the sensor site. So that even if some system fails, that there is an alternative route it will take so that the landing will happen without any problem. इससे पहले इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर विक्रम लैंडिंग करेगा बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के दो इंजन काम नहीं करेंगे तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार इतिहास बनकर ही रहेगा, भले ही रूस का मिशन मून फेल हो गया। थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है इस मामले में, अभी पिछला हमारा चंद्रयान जो फेल हुआ था जी, उसके लास्ट मोमेंट में जो क्रिटिकल एरर आई थी उसका सॉफ्टवेयर उनको करेक्शन नहीं कर पाया, उसको हम कह सकते हैं कि सीधा उतरने के टेढ़ा हो गया। इस बार निश्चित तौर पर सारे करेक्शन को, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एरर टॉलरेंस तो सिस्टम के अंदर पहले से बेहतर बनाए गए हैं और उन एरर्स को ओवरकम करने के लिए निश्चित तौर पर सक्सेसफुली लैंड कर पाएंगे। रशियन स्पेस वेब के पब्लिशर अनातोली ज़क ने इस क्रैश के पीछे की वजहों का अंदाजा लगाया है। उन्होंने कहा कि लूनर 25 का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बेहद कमजोर था, इसे कई बार सुधारा गया। वहीं भारत के चंद्रयान 3 समेत अमेरिका और चीन के मिशन के लिए जो रास्ता चुना, रूस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक अति महत्वाकांक्षी लैंडिंग इस पूरी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल के बेहद करीब है, सारा देश उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह चंद्रमा की वो सतह है जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड करने जा रहा है। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है। रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश बना, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना, और अब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। इसरो की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब एक महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया, जिसने करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। अब मिशन मून की रेस में भारत का चंद्रयान 3 अकेला बचा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी देश के मिशन ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, लिहाजा चंद्रयान 3 की कामयाबी से हिंदुस्तान की तकनीक दुनिया में चांद की तरह चमकेगी। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां बड़ी है। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना, पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे। तीसरी चुनौती है उसे उसी जगह पर उतरना होगा जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ जमीन से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। चौथी चुनौती है पूरी कार्रवाई के दौरान उसे संपर्क को बनाए रखना, कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है। इसरो की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि सुरक्षित लैंडिंग के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से लैंडिंग के हालात नहीं होते हैं तब क्या होगा, तब चंद्रयान की लैंडिंग कब और कहां होगी, ये सवाल भी हमने इसरो के वैज्ञानिक से पूछा। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं, 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उतरण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है, तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। जो मैंने बताया 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त
को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा, तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करें। इस तरह भारत ने हर तरह की तैयारी की है, क्योंकि रूस की नाकामी ने बता दिया है कि मिशन कितना मुश्किल है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 को चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ उसी दौरान इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 को डी बूस्टिंग के बाद कामयाबी से चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा दिया। यहां से चांद की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि रूसी स्पेस एजेंसी के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते लूना 25 से उनका संपर्क टूट गया और वो वैसे ही क्रैश हो गया जैसे 2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। इस नाकामी पर रूस की एजेंसी ने बयान जारी कर बताया, लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसका वजूद खत्म हो गया। भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि इसरो के पास पिछले 2 अनुभव हैं, जिनसे उसने खुद की गलतियों को ठीक किया है। अधिक रफ्तार से लैंडिंग, पहले से ज्यादा ईंधन, डिजाइन में बदलाव, चारों ओर सोलर पैनल, पहले से ज्यादा लेजर कैमरे, ये वो बदलाव है जो चंद्रयान 2 की विफलता से सीखते हुए चंद्रयान 3 में किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। चंद्रयान 3 में हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरे लगे हैं जो चांद की जमीन के करीब आते ही उसे अलर्ट करेंगे कि जमीन सही है या नहीं, कहीं उसके उतरने की जगह पर कोई खाई या बड़ी चट्टान तो नहीं है। ये कैमरे चंद्रयान 2 में भी लगे थे, उसमें जहां एक कैमरा लगा था वहां चंद्रयान 3 में 2-2 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 इससे लैस है। इसका फायदा यह है कि ये बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है। लैंडर के सारे कैमरे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो पल पल चांद की बेहद खास तस्वीर भेज रहे हैं। अब आपको चंद्रयान 3 के कुछ और खास उपकरणों के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 में TTC एंटीना है जो चंद्रयान 2 में नहीं था, इससे डेटा मिलता है। लैंडिंग के दौरान ये सारी जानकारी देता रहेगा। इसके नीचे एक लेजर ऑल्टीमीटर भी है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। चंद्रयान 2 में जहां एक सोलर पैनल था, वहीं चंद्रयान 3 में चारों ओर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ये फायदा होगा कि लैंडर चाहे जिस दिशा में लैंड करे, कम से कम एक दिशा से आती सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती रहेगी। चंद्रयान 2 भले ही सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का काम आसान कर दिया। चंद्रयान 2 ने क्रैश होने से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जगह की लंबी चौड़ी तस्वीर ली थी, उनकी मदद से ही लैंडिंग साइट को तय कर लिया गया। इस बार ये पक्का हो गया है कि लैंडिंग ऐसी जगह होगी जहां पर कोई बड़ी चट्टान या खाई नहीं है, और ये काम किया गया है चंद्रयान 2 ने, जिसने चंद्रयान 3 के लिए रेकिंग और स्काउटिंग का काम कर लिया है। आज तक ब्यूरो।